अच्छा, कल आप लोग मूवी देखने गए थे? अच्छा, कौन सी? चक दे देखी आप लोगों ने? अच्छा, कैसी लगी पिक्चर? अच्छा, क्या था खेल में? ऐसा नहीं, हाँ, किसके बारे में था? अच्छा, और क्या खास बात थी? क्या आपको एक एक करके बताओ कि सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? हाँ बताओ। अच्छा, अपने देश को, भारत को जिताते हैं, और कौन से सीन आपको अच्छे लगे? अच्छा, बेईमानी नहीं करनी चाहिए खेल पे, ठीक है। और कौन से सीन आपको बहुत अच्छे लगे बताओ? कौन सा? हॉकी सिखाता है, ठीक है, वो खेल बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और कौन सा सीन? अच्छा, ठीक है, कि मतलब वुमेन्स हॉकी थी, लड़कियों की हॉकी टीम थी, और उन्होंने मतलब जो बिल्कुल खेल अच्छे स्तर पे नहीं खेला जा रहा था, उसको दिखाया कि किस तरह से मेहनत से, लगन से ये बच्चों ने इतना अच्छा खेला, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये कहाँ पर खेलने गए थे लोग? कोई जगह याद है? कोई जगह खेलने गए थे लोग? हाँ, कौन सी जगह? कोई ऑस्ट्रेलिया गए थे लोग, है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए थे। तो आपने देखा कि इसका मतलब ये खेल जो है देश के बाहर होते हैं, और इसमें आपने देखा कि कई बार वो लोग खेल खेलते हैं, कई बार हॉकी खेलते हैं, है ना, पहले तो अपने देश में ही खेलते हैं, जब अपने देश में अच्छा खेलने लगते हैं उसके बाद वो दूसरे देश में गए, और वहां पर भी पहले एक टीम से खेले। आपने देखा होगा स्पेन से खेल रहे थे, है ना, चाइना से खेल रहे थे, जापान से खेल रहे थे, पाकिस्तान से खेले थे, और फिर आपने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड से खेले थे। तो आपने देखा अलग अलग देशों के साथ धीरे धीरे खेलते हुए वो ऊपर बढ़ रहे थे, है ना, और जो फाइनल में पहुंचता है, जो जीत जाता है, उसको स्वर्ण पदक मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, और जो सेकेंड टीम होती है उसको सिल्वर मेडल मिलता है, और तीसरे वाले को ब्रॉन्ज मिलता है, कांस्य पदक मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि इस पिक्चर में सबसे अच्छी जो आपको बताया गया है, कैसे दिखाया गया है, ये भी एक ओलंपिक खेल था, है ना, और हॉकी जो है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अब हम ओलंपिक के खेल के बारे में बताएंगे कि इसमें चुनने के लिए आपने देखा होगा अलग अलग प्रदेश से लड़कियां आई थी, और अपने प्रदेश की जो सबसे बढ़िया लड़कियां थी उनको चुना गया था, है ना, चंडीगढ़ से एक को चुना था, झारखंड से चुना था, है ना, एक साउथ से थी, एक असम से थी, है ना, हरियाणा की थी, इस तरह से। हाँ, तो इसका मतलब अपने अपने प्रदेश में खेल होता है, उस अपने प्रदेश में जैसे स्कूल खेलते हैं, एक स्कूल दूसरे स्कूल से, फिर उनमें जो सबसे बढ़िया स्कूल खेल ले जाता है उसमें से बच्चे चुने जाते हैं, फिर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में होते हैं मैच, है ना, उनमें से जो चुने जाते हैं, और उन इस तरह से करते करते सभी जो प्रदेश थे उनमें से एक एक बच्चों को चुन करके उन्होंने एक हॉकी की टीम बनाई थी, है ना। तो अब आपने देखा कि वो हॉकी की टीम जो चुन ली जाती है, जो अपने देश में सबसे बढ़िया मानी जाती है, उसको फिर विदेश में खेला जाता है, और ये जो खेल इसमें दिखाया गया था, खेला गया था, वो ओलंपिक खेल था। क्या था? ओलंपिक। ओलंपिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, यानी कि आपने अमेरिका के बारे में पढ़ा था, है ना, इसमें ओलंपिक में तो अमेरिका नहीं होता, लेकिन आपने अलग अलग देश, जापान देश के बारे में पढ़ा है, अब इस पिक्चर में आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा है। तो ऐसे अलग अलग राष्ट्र के जब लोग मिल करके खेलते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, उसे फिर हम ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। अब इस खेल में, इस मूवी में आपने देखा क्या क्या खास बात थी, जीत थी, हार थी, है ना, कितनी अभ्यास दिखाया गया था, कितनी प्रैक्टिस करी थी इन लोगों ने, है ना, कितनी मेहनत करी थी इन लड़कियों ने, तब कहीं जाकर के सोचो, इसमें तो खाली उस लेवल पे शुरू से अगर देखो तो उन लड़कियों ने कितनी मेहनत करी होगी, अपने राष्ट्र प्रदेश में अच्छा खेलो, प्रदेश से फिर ऊपर निकलो, स्कूल में अच्छा खेलो, फिर और ऊपर निकलो, फिर आप टीम बनाओ, और टीम से फिर आप दूसरे देश में जाओ और सबसे खेल के, और सभी देशों के बच्चे आते, इसका मतलब सभी देश के बच्चे अच्छा खेल के आते, जो चुने हुए अच्छे होते हैं वही सब ओलंपिक में आते हैं। तो आपने देखा कि इन सब में कितना अभ्यास इन्होंने किया होगा, है ना, ठीक है, और समर्पण की भावना थी,
समर्पण कहते खेल के लिए समर्पित हो जाना, ठीक है। इनमें समर्पण की भावना थी कि खेल के लिए बिल्कुल उसके ऊपर मतलब खेल पे ही लगे रहना, है ना, पूरी तरह से उसको समय दे देना, अपना वक्त देना, सब है ना। उसके बाद इन लोगों में आत्मविश्वास बहुत था, है ना। आपने देखा था कि शाहरुख खान में भी बहुत आत्मविश्वास था, है ना। उसको मालूम था कि हमारा जो है इन लोगों को किस तरह से उठाना है और ये जीतेंगे। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो तो आप जीत नहीं सकते, है ना। अगर आप पहले ही सोच लो कि अरे ये तो बहुत मुश्किल टीम है, हम नहीं जीत पाएंगे, तो क्या आप जीत पाओगे? नहीं। आपको इसके लिए खूब मेहनत करनी होती है, तब आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद एक होता है सहयोग। सहयोग मतलब आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके खेलना। आपने देखा था कि टीम में कहीं कहीं दिखाया गया था कि झगड़ा होता है, अगर वो झगड़ते रहते एंड तक तो जीत पाते नहीं जीत पाते। जब तक आप टीम में या खेल में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, तब तक आप खेल अच्छा नहीं खेल सकते। अच्छा, इसमें जीत हार तो थी ही, आपने देखा तो खुशी भी थी, रोना धोना भी बहुत हुआ था, है ना, है? और खेल तो था ही। अच्छा, अब इसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि ये जो है जो ओलंपिक खेल है, पहली चीज तो ये एक अंतरराष्ट्रीय खेल है। अंतरराष्ट्रीय मतलब अलग अलग राष्ट्र के लोग, समझ में आ रहा है, अलग अलग राष्ट्र के लोग मिलकर के एक जगह आते हैं और खेल खेलते हैं, उनमें से जो जीतता है उसी हिसाब से उनको पदक दिए जाते हैं, ठीक है। और ये ओलंपिक खेल हर 4 साल में होते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है बहुत पहले ओलंपिया में हुई थी, ठीक है, हाँ, ग्रीस में। ग्रीस एक देश जगह का नाम है, हम आपको मैप लाके दिखाएंगे, उसमें बताएंगे ग्रीस कहाँ पे। तो शुरुआत इन खेलों की वहां पे हुई थी। और तब जब ये खेल खेला जाता था, है ना, आपको मालूम है कोई भी इंसान हर समय काम नहीं करता रह सकता है ना, उसको भी कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए। और ये जीत वाली जो भावना होती है वो हर इंसान के अंदर होती है, अच्छा करने की, जीतने की। तो जो बहुत पुराने टाइम पे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी खेल कराया करते थे। वो कुछ नहीं मिलता था तो मुर्गों को लड़वा देते थे कि किसका मुर्गा जीतेगा, समझे कि नहीं, है ना। दो जानवरों की लड़ाई करवा देते थे या दो कुश्ती करवा देते थे कि भाई ये हमारा आदमी है या ये इसकी टीम का है, कुश्ती लड़वाते थे और जो जीतता था उसको इनाम मिलता था। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये ग्रीस से हुई थी, ओलंपिया नाम की जगह पे, और जहां पर ये खेल खेला जाता था। और इसमें ढूंढा जाता था कि सबसे ऊंचा, यानी कि जैसे कूद वाला है तो सबसे ऊंचा कौन कूद सकता है, सबसे तेज कौन दौड़ सकता है, तेज कौन है और सबसे ताकतवर कौन, ठीक है। चुनाव इस चीज का होता था कि सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था, और उस चुनाव को करने के लिए खेल खेले जाते थे। तो शुरू में जब ये खेल खेले जाते थे तो ये मेडल नहीं दिए जाते थे, है ना। तब एक पेड़ था, उसकी पत्तियां बनाते थे, उस पत्तियों से वो लोग एक ताज जैसा बनाते थे और वो ताज पहनाया जाता था उनको जो भी जीतता था, ठीक है। तो ये अच्छा, ये इस खेलों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हम सबको एकता के सूत्र में बांधते है ना। टीम में एकता होती है, अंतरराष्ट्रीय जो खेल होते हैं उनमें एकता बढ़ती है ना। एक देश दूसरे देश में जाके खेलता है तो उसके बारे में है। तो आज हम लोग ये लेसन जो है ओलंपिक खेलों के बारे में करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दिया है बच्चे हो या बड़े, सभी को खेलों में आनंद आता है। आनंद मतलब मजा आता है, सबको खुशी होती है। खेल और व्यायाम हमें स्वस्थ रखते हैं। खेलों से सामुदायिक सद्भाव और चारित्रिक विकास होता है, यानी कि आपका जो ग्रुप है, समुदाय का विकास, सबका विकास होता है और आपका चरित्र जो है उसका भी विकास होता है ना। सबके साथ मिलजुल कर खेलो, किसी के साथ बुरा न करो, सबका सहयोग दो, ये सारी चीजें आप में आती है। और कुछ खेल जो है वो अकेले खेले जाते हैं, कुछ खेल समूह में खेले जाते हैं, है ना। तो इसमें जो हॉकी था वो कैसा था खेल? समूह वाला, है ना, समूह वाला खेल था। और कुछ खेल होते हैं जो अकेले खेले जाते हैं, उसमें लॉन्ग वो होता है, भाला फेंकने वाला एक होता है, एक वो वजन उठाने वाला होता है ना, ये सब अकेले खेलने वाले खेल होते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि तुमने ओलंपिक खेलों के बारे में सुना होगा, विश्व के प्रायः सभी देशों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। अब ये जो विश्व के मतलब हमारे पूरे विश्व में जितने भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं
आपने देखा होगा यहाँ पर भी वो चंडीगढ़ टीम की कैप्टन थी, कोई किसी और टीम की कैप्टन थी। तो इस तरह से जो चुने हुए खिलाड़ी होते हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, यानी कि अगर हम अपने देश की टीम बाहर भेज रहे हैं तो जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो चुने जाते हैं, है ना। तो दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं और विभिन्न स्पर्धाओं में अपने कौशल और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। स्पर्धा का मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है और स्पर्धाओं के बीच में ये अपना कौशल, अपना जो उनमें हुनर है वो दिखाते हैं। इन खेलों में सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता है, ठीक है, कि कौन सबसे ऊंचा कूद सकता है, कौन सबसे ऊंचा भाला फेंक सकता है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो वजन उठा सकता है, जो कुश्ती लड़ सकता है, जो दौड़ सकता है तेज, है ना, जो दौड़ में सबसे आगे पहुंच जाए। अच्छा, पहले तो दौड़ सिंपल होती थी, है ना, सीधी सीधी दौड़ लगा लो। अब उसमें हर्डल लगाने लगे, रुकावटें लगाने लगे कि उन रुकावटों को पार करते हुए भी कौन सबसे पहले पहुंचता है, समझ गए। तो इस तरह से उनमें नई नई चीजें खेलों में जोड़ते जाते हैं। तो इसमें चुनाव किस चीज का होता है? सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर, ठीक है। संसार भर के लोगों का मानना है कि ओलंपिक खेल जहां स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क का विकास करते हैं, वहीं विभिन्न देशों को एक दूसरे की मित्रता के सूत्र में बांधते हैं कि इंसान का विकास तो होता ही है, उसके स्वास्थ्य का, हर चीज का, उसके अलावा ये जो है सभी देशों को एकता के सूत्र में बांधते हैं। सोचो जरा, अगर खेल ना होते तो जापान अपने देश में खेलता रहता, हमें उनके बारे में कुछ ना पता होता, चीन अपने देश में खेलता रहता, ना हमें उनके बारे में कुछ पता होता, ना हमें पता होता कि उनके यहाँ के लोग कैसा बढ़िया खेलते हैं, किस चीज में अच्छे हैं, है ना, ना हमारे देश के बारे में लोगों को पता होता कि हमारे देश में, अब जैसे इसमें दिखाया है कि लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल सकती हैं, है ना। तो इस तरह से अगर ये आपस में ना होता तो ये सारे देश एकता के सूत्र में ना बनते और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जान पाते, है ना। आपने देखा कि वहां पे जब सब मिलते हैं तो अपनी टीम तो होती है, औरों से भी आप मिलते हैं, औरों से भी आप दोस्ती करते हैं, जो और टीम होती है उनसे भी आपकी दोस्ती होती है। ओलंपिक खेल सैकड़ों वर्ष पहले, यानी कि सोचो कितने सालों पहले, प्राचीन ग्रीस के ओलंपिया में प्रारंभ हुए थे। ग्रीस एक राष्ट्र है जो हम आपको वर्ल्ड मैप में दिखाएंगे, और वहां पे ओलंपिया में प्रारंभ हुए थे और सर्वप्रथम सबसे पहले 200 मीटर की दौड़ को ही ओलंपिक की ही प्रतियोगिता होती थी, कि यानी कि केवल जो 200 मीटर की दौड़ लगाते थे कि कौन उस 200 मीटर की दौड़ में सबसे पहला आता है उसी को चुना जाता था। बाद में भाला फेंक, कुश्ती, मुक्केबाजी और रथ दौड़ भी इसमें शामिल किए गए। भाला फेंक होता है बेटा, एक लंबा सा होता है, उसको फेंकते हैं, है ना, कि कौन सबसे दूर फेंकता है, है ना। उसके बाद कुश्ती होती है, कुश्ती भी आपको मालूम ही है, मुक्केबाजी इसमें होती है, बॉक्सिंग होती है और रथ दौड़ की भी प्रतियोगिता होती है, ठीक है, कि कौन सबसे पहले पहुंचता है। तो आरंभ में जीते हुए प्रतियोगियों को पुरस्कार या पदक नहीं मिलते थे, यानी कि पहले जो जीत जाती थी टीम या जो लोग जीतते थे उनको कोई पुरस्कार या पदक वगैरह नहीं मिलते थे। विजेताओं को पवित्र जैतून की पत्तियों की माला का ताज पहनाया जाता था, कि जो जीत जाता था उसको जैतून की पत्तियों की माला बनाते थे और उसका ताज बना के उनको पहनाया जाता था। ऐसा मानना था कि यह वृक्ष एक मंदिर के समीप उगा था और खेलों के संस्थापक, जो खेलों को शुरुआत जिसने करी थी, उनका नाम था हरक्यूलिस, ठीक है, उनका नाम क्या था? हरक्यूलिस। उन्होंने एक वृक्ष लगाया था, इस वृक्ष को लगाया था। हरक्यूलिस जो थे इन्होंने वृक्ष लगाया था और इस वृक्ष का कौन सा वृक्ष था? जैतून। जैतून की पत्तियां जो थी उसका माला बना के ये लोग ताज को बनाकर पहनाते थे। 1896 में, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल, यानी 1896 में आधुनिक, जो आजकल के, है ना, तो 96 का मतलब अभी बहुत साल पहले की बात नहीं, लगभग 100 साल पहले की बात है ना, 99 ईयर्स पहले की बात है 99। और आधुनिक ओलंपिक खेल एक फ्रांसीसी व्यक्ति बैरन पियरे द कुबर्टियन ने प्रारंभ किए थे। इनका नाम था बैरन,
उनका नाम था, और जो आधुनिक जो आजकल के आप ओलंपिक खेल देख रहे हैं इसकी शुरुआत लगभग 99 इयर्स पहले हुई थी, समझे। उन्होंने सोचा कि विभिन्न देशों के प्रतियोगियों को खेल में आमंत्रित करने से आपस में मित्रता बढ़ेगी। और उनका क्या उन्होंने सोचा था, जो ये विभिन्न देश से लोग आएंगे तो जब ये आपस में मिलेंगे तो इनमें आपस में मित्रता बढ़ेगी। तो इन्होंने तो ये खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में अलग अलग देशों में आयोजित होते हैं, यानी कि ये खेल हर बार 4 साल के अंतराल में, ठीक है, 4 साल का गैप होता है और 4 साल के अंतराल में ये खेल अलग अलग देशों में खेले जाते हैं। ये नहीं कि एक ही देश में खेला जाए, है ना, कभी चीन में तो कभी ऑस्ट्रेलिया में तो कभी जापान में या कहीं भी, इस तरह से ये अलग अलग देशों में खेल खेले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है 1916 और उसके बाद 1940 और 1944, ठीक है, में ये खेल अवरुद्ध हो गए थे, यानी ये खेल जो थे रोक दिए गए थे। ये जैसे बताया कि 99 इयर्स पहले से ही खेल हो रहे हैं, लेकिन ये खेल इन सालों पे रोक दिए गए थे, ठीक है, यानी इस बीच में ये खेल नहीं हुए थे। वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को भी भाग लेने का अवसर दिया गया, यानी कि शुरू में पहले केवल पुरुष ही ओलंपिक खेलों में भाग लेते थे, कि पहले जो ओलंपिक खेल हुआ करते थे उसमें विभिन्न देशों के केवल पुरुष आते थे और केवल उन्हीं खेलों को खेला जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन खेलों में 1900 में पेरिस में जब ओलंपिक हुआ तो वहां पर महिलाओं को भी भाग लेने का अवसर मिला था पहली बार। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित किए गए, इसमें दौड़, जिम्नास्टिक्स, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती आदि खेलों को शामिल किया गया। आज के जो खेल हैं, जो ग्रीस में पहला हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले फिर ग्रीस में हुआ था, अभी जो इसके पहले हुआ है जो, तो वो भी ग्रीस में हुआ था, तो ये शुरुआत ग्रीस से हुई थी। वहां पर जो पहला ओलंपिक जो आजकल चल रहे हैं, जो गिने जा रहे हैं, तो पहला ओलंपिक जो था वो ग्रीस में खेला गया था एथेंस में। इसमें दौड़ था, दौड़ आप जानते, जिम्नास्टिक था, जिम्नास्टिक जो कलाबाजी खाते हैं, है ना, वो है, फिर साइकिल दौड़ थी, ठीक है, हाँ, लॉन टेनिस था, टेनिस आपने देखा है टीवी में कभी, वो जो है ना बॉल से खेलते, हाँ, और निशानेबाजी थी, यानी बंदूक से निशाना लगाना, ये खेल था। तैराकी मतलब तैरना, और भारोत्तोलन उसको कहते हैं जो वेट लिफ्टिंग होता है, हाँ, जो भार को उठाते हैं, कुश्ती आदि खेलों को शामिल किया गया। अब ओलंपिक में पूरी दुनिया के महिला और पुरुष खिलाड़ी 28 से भी अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, यानी कि ये तो कुछ प्रतियोगिताओं के नाम लिए गए हैं, 28 से भी ज्यादा प्रतियोगिताएं हैं जिनमें पुरुष और महिला सबके साथ भाग लेते हैं, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर लाते हैं, यानी कि पहला खेल कहाँ पे हुआ था, ग्रीस में, एथेंस में हुआ था, तो वहां पर खेल की मशाल जलाई गई थी। आपने भी स्पोर्ट्स से पिछले साल हुआ था तो आपने देखा था कि पहले वो मशाल लेके एक बच्चा जाता है ना, तो जो पहली मशाल थी जो वहां पे एथेंस में थी, तो जहां कहीं भी मैच ये खेल होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, तो ग्रीस से वो मशाल लाई जाती है, यानी कि अगर चीन में होगा तो ग्रीस से वो मशाल चीन लाई जाएगी, पहले दिन वो मशाल जलाई जाती है और जब तक खेल खत्म नहीं हो जाते तब तक वो मशाल जलती रहती है, ठीक है, हाँ। तो उद्घाटन समारोह में ग्रीस के एथेन नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक उठाकर ला, धावक किसको कहते हैं, जो दौड़ता है, दौड़ने वाले को धावक कहते हैं, तो वो उठाकर लाते हैं। यह मशाल खेलों की समाप्ति तक जलती रहती है। ओलंपिक खेलों में पुरस्कार के रूप में विजेताओं को स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक दिए जाते हैं। कौन कौन से पदक होते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य,
गया गोल्ड, एक हो गया सिल्वर और एक हो गया ब्रॉन्ज, यानी पहले आने वाला, दूसरा आने वाला और तीसरा आने वाला, तीनों को पदक दिए जाते हैं। वर्ष 2004 में, अभी कौन सा साल चल रहा है ये? 2007। तो इसका मतलब जो इससे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ वो कब हुआ था? 2004 में। तो 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। हमने बताया था ना कि एथेंस में ही शुरुआत हुई थी, और अभी इसके पहले वाला जो खेल हुआ है ओलंपिक खेल, वो भी एथेंस में ही हुआ था। और अगले ओलंपिक खेलों का आयोजन 2008 में बीजिंग चीन में होगा। यानी कि अगर 2004 में हुआ था तो अगला कब हुआ? चार साल कब हुए? 2008 में, ठीक है। तो 2004 में कहाँ हुआ था ओलंपिक खेल? एथेंस में हुआ था। और अब 2008 में कहाँ होगा? चीन में, चीन के बीजिंग, वहां की राजधानी चीन के बीजिंग में, बीजिंग में ये खेल, जो अगला खेल है कब होगा ये? 2008 में, ठीक है। अच्छा, यहां तक बताइए खेलों के बारे में क्या समझा आपने? ये खेल कितने साल में होते हैं? चार साल में। शुरुआत कहाँ हुई थी? ग्रीस में, एथेंस में। और बहुत हजारों साल पहले भी ये खेल होते थे। तब किस चीज का चुनाव होता था? नहीं, किस चीज का चुनाव होता था? चुनते क्या थे? सबसे ऊंचा, सबसे तेज और सबसे ताकतवर का चुनाव होता था। अच्छा, और उसके बाद जब ओलंपिक खेल अभी के शुरू हुए, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? एथेंस में, एथेंस में हुआ था। और 2004 में कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। 8 में कहाँ होने जा रहा है? चीन के बीजिंग में। अच्छा, कौन कौन से खेल इसमें हैं, कोई बताएगा? दौड़, कुश्ती, एक एक करके, हॉकी, मुक्केबाजी है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बहुत, अच्छा और भी बहुत सारे खेल हैं, इनका पता लगाओगे, ठीक है। ओके, तैराकी है, निशानेबाजी है ना, ठीक है। सबसे ऊंचे से कूदेगा? हाँ, सबसे इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप कहते हैं, तो वो बालू होती है, उसमें खूब तेजी से दौड़ करके सबसे दूर तक कौन दौड़ कूद सकता है ना, हाँ उसे भी। और उसमें दौड़ भी बहुत सारी होती है, दौड़ बहुत सारी होती है, हाँ साइकिल रेस है ना। अच्छा, अच्छा उद्घाटन समारोह में क्या होता है, कोई बताएगा? उद्घाटन, उद्घाटन मतलब शुरुआत, जैसे नींव पड़ना कहते हैं, किसी मकान का उद्घाटन करना, यानी मकान को शुरू करना, बनाना शुरू करना है ना। क्या करते हैं उद्घाटन समारोह में, क्या खास बात होती है? अगर चीन में है भी तो क्या होगा? जो धावक होगा वो एथेंस से मशाल लाई जाती है, और वो बीजिंग में तब तक जलती रहेगी जब तक कि सारे खेल समाप्त नहीं होगा, ठीक है, तब तक होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या क्या खास बातें जरूरी होती है किसी भी खेल में? ईमानदारी से, ठीक है। और आपस में, हाँ आपस में मिलकर का मतलब सहयोग है ना, एक दूसरे का सहयोग, क्योंकि जब ग्रुप होता है, समूह में खेलते हैं, तो सहयोग होना जरूरी होता है। और बताइए, सबसे जरूरी चीज मेहनत, बहुत मेहनत चाहिए, लगन चाहिए किसी चीज को करने को, ये मुझे करना है, ठान लेना है, ठीक है। लगन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेमन आपसे कोई काम कराया जाए तो आप उसमें कभी भी जीत नहीं सकते, आप कभी भी उसको अच्छा नहीं कर सकते, है ना। तो आपके अंदर उस चीज की इच्छा होनी चाहिए और खूब लगन मेहनत से उसको करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज किसी भी खेल में? ताकत तो होनी चाहिए, और बताओ,
आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है ना कि हम जीतेंगे, ठीक है। एक आत्मविश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए खेल के प्रति, है ना, मेहनती होना चाहिए उसे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी होती किसी भी खेल को खेलने के लिए, ठीक है। तो आपको मजा आया कि नहीं इस खेलों में, ठीक है। अच्छा, अब ओलंपिक की अगली बार जब हम आएंगे तो हम आपको मैप दिखाएंगे जिसमें हम आपको ग्रीस के बारे में बताएंगे, एथेंस बताएंगे कहाँ पर है, और फिर हम आपको बहुत सारे खेलों के बारे में बताएंगे। ओलंपिक खेलों में भारत ने कब जीता, कौन कौन से स्वर्ण पदक जीते हैं, कौन कौन से खास लोग हैं, उनके बारे में हम लोग पता करके आएंगे, और फिर उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन भारत के लोग थे जिन्होंने हॉकी में, आपको मालूम है भारत ने भी स्वर्ण पदक जीता था, पर बहुत साल पहले की बात है। तो हम लोग उस बारे में बातचीत करेंगे कि कितने स्वर्ण पदक हमने जीते हैं, कितने हमने रजत पदक जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में पता करेंगे, ठीक है।